इसके पहले कि आप मूवी का रिव्यू देखें, आपको बताना चाहूंगा कि मूवी के रिव्यू के दौरान आपको लग सकता है कि शायद से मैं मूवी के स्पॉयलर्स दे रहा हूं, जो कि आपको तभी लगेगा अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर भी ना देखा हो तो, क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर खुद काफी सारे स्पॉयलर्स दे देता है। तो अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस रिव्यू को भी ना देखे, ट्रेलर को भी ना देखे, डायरेक्ट मूवी देखे, क्योंकि अगेन मूवी तो मस्ट वॉच है ही, लेकिन फिर भी अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो प्लीज रिव्यू को भी देख लीजिए और मूवी भी देखिए, क्योंकि अगेन बहुत सारी चीजें हैं जो कि ट्रेलर में भी नहीं दिखाई गई। सो ये मूवी अप्रॉक्सिमेटली 2 घंटे की है और स्टार्टिंग के लगभग 50 मिनट या 1 घंटे तक कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। मतलब 1 मिनट के लिए मुझे लग रहा था कि यार मैंने क्या मूवी देखने का डिसाइड किया, 1 घंटे तक कुछ भी नहीं दिखाया, मतलब पैसे बर्बाद। लेकिन भैया 1 घंटे के बाद में जो एक्शन है, जो ब्लड स्पैटर है, इनफैक्ट जो कॉमेडी है, वो देखने लायक थी इतना कि यू विल बी हुक्ड टू योर सीट्स। अबिगेल मूवी फोकस करती है अ ग्रुप ऑफ किडनैपर्स पर, जो कि एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं और $50 मिलियन रैंसम मांगते हैं उसके पिताजी से। और ये लोग दो बातों से अनजान होते हैं, पहला कि असल में ये लड़की एक पावरफुल डॉन की बेटी है और दूसरा कि ये लड़की असल में एक वैम्पायर है। अब 24 घंटे के लिए इनको इस लड़की को ऑब्जर्व करना है जब तक इनको रैंसम ना मिल जाए। लेकिन एक के बाद एक खुलासे के बाद इन किडनैपर्स की खुद की जान पर आ जाती है। क्या खुलासे हैं और क्या ट्विस्ट है और अंत में इन किडनैपर्स के साथ में क्या होता है, कुछ इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी को ढेर सारे ब्लड स्पैटर्स, ट्विस्ट और कॉमेडी से एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है एबिगेल। एबिगेल रिलीज हुई इंडिया में 26 अप्रैल 2024 को और ये रिलीज हुई सिर्फ इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में ये रिलीज नहीं हुई। ये मूवी एक तरीके से री इमेजिनिंग है या रीमेक कह सकते हैं 1936 में बनी मूवी ड्रैकुलास डॉटर की। तो उस मूवी की स्टोरी कंप्लीटली अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या ही ब्लड स्पैटर्स थे मूवी में, क्या ही ट्विस्ट थे और क्या ही कॉमेडी, तीनों जगह पर मूवी परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलती है। तो आई जस्ट विश के मूवी के स्टार्टिंग का 1 घंटा भी उतना ही इंटरेस्टिंग होता जितना लास्ट का 1 घंटा था, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में इस मूवी को दोबारा देखना चाहेंगे इसके ब्लड स्पैटर्स की वजह से तो स्टार्टिंग का 1 घंटा डेफिनेटली स्किप कर देंगे, क्योंकि मूवी का सारा मजा मूवी के सेकंड हाफ में। मूवी में काफी अच्छे कैरेक्टर्स लिए गए, जैसे लीड में है मेलिसा बेरेरा, जिनको मैंने सबसे पहले स्क्रीम 6 में देखा था एंड फॉर सम रीजन मुझे इनका रोल पसंद नहीं आया, नहीं स्क्रीम 6 में और नहीं इस मूवी। तो दोनों ही मूवी अलग जनर की थी बट इनका किरदार ऑलमोस्ट सेम था, एक केयरिंग व्यक्ति का। स्क्रीम 6 में एक तरीके से अपने बहन को बचाने के चक्कर में रहती हैं और इस मूवी में भी किसी न किसी को बचाने के चक्कर में रहती हैं। इट्स जस्ट दैट शी वाज नॉट फिटिंग इन दिस रोल, अदरवाइज थ्रू आउट द मूवी इनका ऑलमोस्ट डर जाना और कभी कभी बिंदास रहना और होशियारी दिखाना समवेयर मेड दिस मूवी इंटरेस्टिंग। मूवी में केविन डोरेंट भी है, आई लव दिस गाय। इनको सबसे पहले मैंने 2010 में आई मूवी लीजन में देखा था और उसके बाद में एक चुम्बेश्वरी सीरीज है जिसका नाम है द स्ट्रेन, उसमें देखा है। और अगर आपने द स्ट्रेन सीरीज नहीं देखी है प्लीज देखिए, मस्ट वॉच है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। और उसका भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वैम्पायर पर ही बेस्ड है। केविन एक तरीके से इस मूवी में कॉमेडी लाते हैं अपने डायलॉग से, जो कि फनी लगता भी है। एंड आई थिंक ही कैन बी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इस मूवी का पार्ट 2 भी आ सकता है। स्पॉइलर की वजह से मैं नहीं बता सकता बट आप मूवी देखेंगे तो समझ जाएंगे। मूवी में डैन स्टीवंस भी है, जिनको सब उनके लीजन सीरीज से जानते ही होंगे एंड ही इज द ओनली कैरेक्टर दैट यू लुक फॉरवर्ड टू जो कि मूवी में एक्शन लाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी बैले डांसर एबिगेल, जिसका किरदार निभाया है एलिशा वेयर ने, एंड ओ माय गॉड इनके बारे में क्या ही कहूं। 2005 में मैंने परिचित नाम से एक मूवी देखी थी जिसका एक्चुअल नाम अनियन है, जिसमें विक्रम जी ने एक्ट किया था। तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली, चला गोली, भगवान की कसम सर, वो पांचों खून, सर मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने ही किए हैं। इस एक्ट को देखने के बाद में मेरे होश ही उड़ गए थे और कुछ उसी लेवल की एक्टिंग अलीशा वेयर करती है इस मूवी में। एक्टिंग ले लो या चाहे उनकी डांसिंग कर करके लोगों को मारना ले लो या फिर एक वैम्पायर बनना ले लो या फिर एक मासूम लड़की बनना ले लो, ये हर एक किरदार को बखूबी से निभाती है। इन्होंने कुछ इस तरीके की एक्टिंग की है कि एक टाइम पर ये एक बहुत ही मासूम बच्ची लगती है और एक टाइम पर बिल्कुल भी नहीं लगती और आप विश करते हैं कि भैया इसको मार के खत्म कर दो। एंड देन अगेन मूवी के एंड में एक अलग ही ट्विस्ट है। मतलब इनका कैरेक्टर इन्होंने कुछ इस तरीके से निभाया है कि थ्रू आउट द मूवी आपको एक पल के लिए लगता है कि मार दो, एक पल के लिए लगता है नहीं यार जाने दो, फिर एक पल के लिए लगता है कि मार दो और फिर एक पल के लिए लगता है नहीं यार जाने दो। इस मूवी के कुछ हिस्सों का म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने सारे मारकाट के बीच में ऐसे ऐसे म्यूजिक डाल दिए गए हैं कि आप लिटरली नाचने लगते हैं। मतलब इतने मारकाट के बाद भी मूवी अच्छे मूड में ला देती है। मूवी का शॉकिंग चीज ये भी है कि वैम्पायर से रिलेटेड काफी सारी चीजों को क्लियरली एक्सप्लोर भी करती है ये मूवी और कहीं ना कहीं फनी वे में। मूवी में वैम्पायर को लेकर काफी सारे ईस्टर एग्स है, तो अगर आपने वैम्पायर की अभी तक की सारी मूवीज और सीरीज देखी है तो डेफिनेटली उन ईस्टर एग्स को आप कैच करेंगे। और जिस नोट पर ये मूवी एंड होती है, आई जस्ट विश के इसके डायरेक्टर्स एंड क्रिएटर्स इसका सेकंड पार्ट भी लें। वैसे इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद में कहीं ना कहीं मैं ट्रेलर से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि काफी सारे स्पॉयलर्स ट्रेलर ने रिवील कर दिए थे। बट ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि माय ओ माय जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेलर में जो दिखाया था वो कुछ नहीं है, उससे तो कई
ज्यादा चीजें मूवी एक्सप्लोर करती है, और मूवी के एंड में जो ट्विस्ट है वो देखने लायक था, और कहीं ना कहीं वो ट्विस्ट भी कंफर्म कर देता है कि इसका पार्ट टू भी जरूर आएगा। वैसे मुझे मूवी बहुत पसंद आई है और मैं डेफिनेटली इसे रेकमेंड करूंगा, और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 out of 10। वैसे अगर मूवी का स्टार्टिंग का एक घंटा थोड़ा इंटरेस्टिंग होता तो शायद से मैं इसे 8 rate करता out of 10। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया है, अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Stay safe.